नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभी लोग अपने अपने दिशा की तरफ अग्रसित हो चुके हैं। हर किसी को अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान जो कि हर जगह व्याप्त हैं, उनको अपनी तपस्या से मन के रूप में प्रसन्न करना, और मन प्रसन्न करने से पहले एक व्यक्ति है जो अपना पेट प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। त्रिकोदर भीम वो भगवान के लिए पहले फल लाए थे, फिर चार लाए, फिर दो लाए, अब कह रहे दो का भी क्या करेंगे, एक ही पर्याप्त है। चलिए देखते हैं वो एक भी बचता है या नहीं, और बजरंग बली इनको दर्शन देते भी है कि नहीं देंगे। तो शुरू करते हैं एपिसोड 161 पार्ट 2। अब इनके खाने में नजर डाल दी दोराही भाई भाई दूसरा आ गया पूरी गैंग पूरा गया भगवान का प्रसाद है, ऐसे कैसे खा लोगे। अरे मतलब छोड़ो भाई, भगवान इनके लिए एक ना छोड़ दे छोड़ दिया भाई भाई भगवान के दूत है, जा भगवान के पास ही रात हो। मूवी चिढ़ा रहा भाई ओ अंजलि इधर थी इधर कौन हो तुम? बड़े मायावी असुर दिखाई देते हो। लगता है मेरी तपस्या भंग करने भेजा है दुष्ट दुर्योधन ने। क्रोध आ गया भाई। ये बजरंग बली की पूंछ है बाबू, रावण जैसे धुरंधर कुछ ना कुछ उखाड़ पाए तो तुम का करो। बजरंग बली की पूछ नहीं, यहीं से बजरंग बली की पूछ चालू होती है, जहां सब लोग उनको पूछते हैं कि कौन है ये। परीक्षा है मार के नियम कौन कोई बड़े मायावी स्वर दिखाई देते हो, किंतु भूलना मत मैंने भी राक्षसी से विवाह किया है, मेरा पुत्र भी मायावी है, मेरे सामने तुम्हारी माया नहीं चलेगी, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मरकटासुर प्रतीक्षा कर। मरकटासुर भाई सामान निकाल के बजरंग बली चढ़ा के अंदर है यार। भाई किससे पंगा ले रहा है वो भी तो देखो। वार कर दिए यार बजरंग बली से। आलो भाई क्या ही दिखाया है यार। आलो विचित्र मनुष्य, पहले आवाहन देकर भोजन के लिए बुलाते हो, फिर व्यर्थ ही मारपीट करते हो। खुद ही दावत दिए हैं, खुद ही भगा भी रहे हैं। क्षमा भगवान क्षमा, आपके विराट रूप की कल्पना की थी मैंने, आपको इतने छोटे से रूप में देखकर पहचान नहीं पाया। आकार छोटा देखकर बल भी कम समझ लिया भीम, अर्थात तुम तो बल का स्वरूप ही नहीं जानते। वही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूं भगवान।
तुम मेरे अनुज हो भीम, मेरे पिता भगवान पवन की आराधना करके तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें प्रसाद के रूप में पाया, इसलिए अवश्य मैं तुम्हें बल का रहस्य बताऊंगा। पहले वो लड्डू, मेरा प्रसाद दे तो दो, मेरे लिए रखा है ना, तो ले आओ। ये तो सबसे टफ भगवान एक लड्डू का क्या करेंगे, आ गए भ्राता हनुमान, सबसे टफ है वो, तो मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो ले लो। तुम्हें आसानी से थोड़ा देंगे। बल का स्वभाव है स्फूर्ति, जो बल स्थिर हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए जब भगवान पवन ने मेरा सर्जन किया तो मुझे वानर का रूप दिया। मैं सदा स्मरण रखूंगा। तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काल को डरना। अब उठने दीजिए भ्राता हनुमान। तो उठो ना, मैंने कब रोका। सरक गए। अति उत्तम। बल का स्वरूप है स्थिरता, जब शरीर चंचल हो तो मन का स्थिर होना अनिवार्य, अन्यथा सारा बल बिखर जाता। संसार का कोई भी कार्य हो तभी सफल होता है जब उस कार्य को करने वाले का शरीर चंचल और मन स्थिर हो। जैसे युद्ध के समय मैं अपना मन सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में फिर रखना। अवश्य सदा ही स्मरण रखूंगा। किंतु ये लड्डू तो दे दो भ्राता श्री। तो ले लो। ले लो। लड्डू के साथ ट्रेनिंग हो रही भाई। प्रसाद प्रसाद ज्ञान मिल रहा है, है? सब ज्यादा एफर्ट भीम लड्डू के लिए करेंगे ना। पकड़ लिए भाई। तुम अवश्य ही मेरे अनुज हो भीम। इतनी शीघ्रता से बल का रस कोई नहीं सीख पाता। बल का आधार है सर्वग्राहिता, अर्थात चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसे एक साथ ग्रहण करने की योग्यता। मनुष्य को जो दिखाई या सुनाई नहीं देता वो मनुष्य की निर्बलता बन जाती है। बल का लक्ष्य है एकाग्रता। ईश्वर ने मनुष्य को एकाग्रता सिखाने के लिए ही बल दिया। जो बल एकाग्र नहीं वो किसी काम का नहीं। अर्थात फुर्ती, स्थिरता, स्वरग्रहिता, एकाग्रता। जय 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 हनुमान।
मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं अनुज भीम। जब भी तुम किसी युद्ध या संघर्ष में होगे, मैं तुम्हारा बल बनूंगा। मैं अदृश्य रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आपके गर्दन से लंका के समस्त राक्षसों के प्राण निकल जाते हैं आपके आशीर्वाद से। मेरी गर्जना हमारे महायुद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों का साहस कुचल देगी। अवश्य भीम, स्वयं भगवान के हाथ में जिस रथ की डोर, न्याय और धर्म जिस रथ के पहिए, उस रथ के ध्वज पर सदैव हनुमान का वास होगा। क्या बात है यार। अद्भुत विजयी भव। यही एक डायलॉग नोटिस करने वाला है पूरे एपिसोड में। यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो देखते देखते एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आप बताइएगा कौन है वो। फिलहाल मैं उनका कंटेंट बताता हूं। तो भगवान हनुमान के बारे में उन्होंने बताया था कि भगवान हनुमान भक्ति के बिना रह नहीं पाते थे, और बिना भक्ति के उनसे कोई कार्य भी नहीं होता था। तो जब राम जी के समय में भगवान हनुमान थे, तो उन्होंने कहा कि भैया वहां तो राम जी के चरण थे, मैं तो धो धो के उनके चरणों में रहता था और सारे कार्य मेरे उन्हीं के चरणों में सिद्ध हो जाते थे। लेकिन इस वक्त मैं किसकी भक्ति करूंगा, मेरे को महाभारत जैसा युद्ध चल रहा है, बिना भक्ति के मैं वहां करूंगा क्या, मुझे तो भक्ति चाहिए। मैं तो युद्ध के बीच बीच में, जब यहां राम जी युद्ध करते थे तो बीच बीच में ज्ञान लेते रहते थे, तो वो ज्ञान लेने के लिए मैं राम जी के पास हमेशा रहता था। मुझे भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो भैया बिना ज्ञान और भक्ति के मैं नहीं चल रहा महाभारत में। तो वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया तुम चलो, हम तुमको सर पे बैठा लेंगे लेकिन तुमको सब बताएंगे। तो कहा जाता है कि गीता, उन्होंने ऐसा बताया कि कहा जाता है कि गीता जो है वो अर्जुन को सुनाना तो एक बहाना था, असल में भक्ति तो उन्हें श्री हनुमान जी से करवाना था। तो खैर ये प्रकरण जो है वो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मिलेगा जरूर। फिलहाल अब बात करते हैं इस एपिसोड की। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भीम के चंचल मन को एकाग्र करने के लिए बजरंग बली ने जिस प्रकार की तरकीबें बताई, एक लड्डू से उन्होंने सारी ट्रेनिंग दे दी। देखा जाए तो यदि आपके पास अतुलित बल हो, जैसा कि बजरंग बली के बारे में कहा जाता है अतुलित बल धामा हे मुशैलाबदे, तो जिनका बल अतुलित हो, यानी भीम जो उनके छोटे भाई हैं उनका भी बल अतुलित है, उस बल को केंद्रित करने के लिए स्फूर्ति बहुत आवश्यक है। स्फूर्ति अगर आपके पास है तो आपके पास एकाग्रचित होना अनिवार्य है। एकाग्रचित होने के लिए आपको अपने चतुर दिशाओं के बारे में जानकारी होना भी अनिवार्य है, और एक बलशाली मनुष्य की यह सारी गणना तभी सिद्ध हो पाएगी जब वो अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहे। पूरा एपिसोड केवल एक लड्डू के साथ ट्रेनिंग में चला गया। बजरंग बली ने उसी लड्डू पे फोकस किया थी, इसका ध्यान सोचा था इसी पे, इसी को लेकर इसकी पूरी ट्रेनिंग हम समाप्त कर देते हैं। और ट्रेनिंग समाप्त की ओर बढ़ भी रही है बहुत तेजी से। अच्छा, लास्ट में बजरंग बली ने कहा भी कि महाभारत के युद्ध के दौरान मैं तुम्हारा बल वही डायलॉग यार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धर्म का रथ तुम्हारा चल रहा होगा उस रथ के ध्वज पे मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।